ठीक है, लैपटॉप में कैसे ज्वाइन करना है अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अगर मोबाइल से हो तो अभी के लिए मोबाइल पे ही रह जाओ, ठीक है, 10-5 मिनट। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग को ट्रेनिंग करना है और किस तरीके से हम लोग इसमें कुछ अलग करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू आर वेरी लकी कि आप लोग वो के पास टाइम है खुद को अपग्रेड करने का, ठीक है। आई एम अदनान फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है, रुतजा इज फ्रॉम मुंबई एंड विशाल इज फ्रॉम मुंबई, सिद्धांत इज फ्रॉम मुंबई। अरे और क्या बात है, मुंबई वाले बहुत हैं यार। प्रद्रेस इज फ्रॉम मुंबई, 4-5 लोग एक साथ मुंबई के, अरे बाप रे। प्रथमेश इज ऑल्सो फ्रॉम द मुंबई, ठीक है। पंकज तो सतारा से है, ठीक है, काफी लोग मुंबई से हैं। ऋषिकेश पुणे से हैं, ठीक है, चलो इस बार मुंबई वाले को ज्यादा वो है, ठीक है, लास्ट बैच में मुंबई वाले काफी थे, ठीक है गाइस, चलो अच्छी बात है। तो बेसिकली आप सबको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रेनिंग करना है और किस तरीके से हम अपने इस काम को धीरे 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 करके स्टार्ट करेंगे। आज आपको कुछ लोड नहीं दूंगा, कुछ काम ज्यादा नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट BIM, ठीक है। उससे पहले भी हम लोग एक चीज और समझने की जरूरत है कि हम लोग कैसे कैसे इस ट्रेनिंग को डिफरेंट करेंगे। इसको डिफरेंट करने का पहला रूल ये है गाइस कि हम सबको, ओके यू फ्रॉम खंडवा, ग्रेट, ठीक है, खंडवा इज नियर बाय वन प्लेस, खंडवा मैं जानता हूँ, ओमकारेश्वर के पास में है दैट लोकेशन, है ना, सेंधवा के पास, राइट सी, सेंधवा के पास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा अलग करेंगे वो ये करेंगे कि मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देता हूँ डेली करने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को आपको करना है और करके डेली आपको मेल करना है, ठीक है। जैसे कि आपको आज एक प्रोजेक्ट दिया, मान लो कि आपको कुछ करना है एग्जैक्टली, ठीक है, तो आज आपका काम क्या है, आज का आपका प्रोजेक्ट बस इतना है कि जिसके पास रिज्यूम नहीं है या फिर जिसके पास रिज्यूम है सबको रिज्यूम मेल करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एक वर्क हो गया, आपकी एक पर्सनल मेल आईडी रहेगी गाइस, ध्यान से सुनिएगा, अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा मैसेज दिया जाएगा, मींस आपको जस्ट एक मैं वर्क दूंगा डेली एवरी डेज, तो वो वर्क का कॉपी जो है वो ग्रुप के अंदर जाएगा कि आज आपका ये काम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली उस काम को फिनिश करना है और फिनिश करके बिफोर क्लास, मतलब जैसे क्लास 7 बजे से उसके पहले या फिर रात में जब आपको मन करे काम को कंप्लीट करके आपको मेल कर देना है, ठीक है। उस मेल से क्या हो जाएगा कि आपको एक डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी हो जाएगा कि हाँ यार अभी तुमको मेरे को सुबह सुबह काम करके देना है, और जो इन केस अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन न कर पाए, ध्यान देना कि सबसे बुरी चीज यहाँ पर यह भी है कि आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करना है मिनिमम, ठीक है। विदाउट 80% अटेंडेंस आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप मुझे बोलोगे सर मेरे जॉब में हेल्प करिए मुझे, तो टू बी फ्रैंक मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सबकी जॉब में हेल्प करूंगा जो लोग 80% के ऊपर अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। रीजन क्या होता है गाइस, क्योंकि अगर आप 80% के नीचे अगर आपका अटेंडेंस है तो सीधी सीधी बात, आपने सही से सीखा ही नहीं, ठीक है, और जब सही से सीखा ही नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा ना फिर, ठीक है। तो 80% आपको मिनिमम अटेंडेंस देना है, और एक एक लास्ट में एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट करना होता है, उस प्रोजेक्ट को करके सबमिट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट एक बी मॉडल, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर आप हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप रहेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मॉड्यूलर आप रहेंगे, मतलब बीम की सारी प्रोफाइल्स एक जगह रहती है, उसमें आपको बनाना है, बना के उसका एक PPT बनाना है, सबके सामने प्रेजेंट करना है। दैट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दैट टू कंडीशन, वन इज 80% अटेंडेंस एंड सेकेंड वन इज आपने वो जो प्रोजेक्ट सबमिट किया, ये दोनों के बेसिस पर आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इस बार हम लोग रूल्स लाने वाले हैं उसमें भी कि आपको परसेंटेज दिया जाएगा कि हाउ मच यू स्कोर, ठीक है, आप कितना अच्छा स्कोर किए, और वो परसेंटेज सेट किया जाएगा आपके अटेंडेंस के बेस पे, ठीक है, कि आपने इस बैच में कितना वर्क किया, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसमें स्कोर दे दें आपको एज ए स्कोर कार्ड। अगर आपने 90 किया तो 90 ले लीजिए अटेंडेंस, यहाँ पर अपने आप जब आप आ जाते हैं ना तो ग्रुप जो चाहे ये आपका ऐप है ये रीड कर लेता है कि आप आए कितने देर क्लास में थे, ये भी रिपोर्ट ये हमें बना के दे देता है, ठीक है। तो बहुत स्मार्ट है ये, तो आप लोगों को मैं जो स्कोर करने वाला हूँ वो स्कोर करने वाला हूँ एट द बेसिस ऑफ योर अटेंडेंस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड फेयर फॉर यू, ठीक है। और अगर किसी से यकीन नहीं हो पा रहा कि नहीं सर मैं तो मुझे लेट हो जाता है, तो आप जरूर लॉग इन होके आइए, ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग भले देखिए, एक बार लॉग इन होके आइए, आपका अटेंडेंस लग जाएगा,
उसके बाद आप चाहे तो बाद में उसको अटेंड कर लीजिए, बट आइए जरूर। ठीक है जी, जैसे आप एंट्री करते हैं ये रीड कर लेता है कि आप आए थे और ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है जी, चलिए दूसरी चीज गाइस, हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही यूनिक होंगे। बस इतना ध्यान देना कि ग्रुप में क्या बोलते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करेंगे, और ग्रुप को पिन करके रखना। जैसे कि देखो मैंने कल मैसेज डाला था, अभी तक कई लोग नहीं ऐड हो पाए हैं, मुझे पता है उनको पता नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप को पिन कर लेना, जैसे मैंने आपके ग्रुप को पिन कर रखा तो ऊपर ही दिख जाता है, क्लिक करोगे पिन चैट करके ऑप्शन आएगा, उसे क्या होगा, मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज किया, कुछ स्टडी मटेरियल भेजा, फट से आपको मिल जाएगा। और अपने पर्सनल मैसेज अवॉइड करना, रीजन क्या हो गए, अगर मान लो मैंने कोई स्टडी मटेरियल भेजा वो ऊपर चला गया, नीचे चैट आ गए, कोई अब ऊपर नहीं गया तो उसका स्टडी मटेरियल छूट गया, तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा मैसेज, कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐसे कुछ नहीं भेजेंगे। सिर्फ पीडीएफ वगैरह आपको लगता है कि बड़ा यूजफुल है दूसरों के लिए, पीडीएफ आप भेज दीजिए बस। ठीक है, बाद में मत बोलिएगा नहीं सर आपने बताया नहीं था इसलिए मैंने शेयर कर दिया, इसलिए मैं सब बता दे रहा हूँ आपको, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं बीम के बारे में, ये तो हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, और पीडीएफ के बारे में समझते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बीम के अंदर करियर बना रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जान लीजिए कि बीम में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, करेंट मार्केट में एटलीस्ट 5 से 10 साल तक तो पर्याप्त अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, फिक्स है। ठीक है, और उसमें पढ़ने के लिए मतलब बीम होता क्या है ये आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, उस दिन मैंने कॉन्फ्रेंस में किया भी था, कि जो भी चीजें आप ऑन साइट करोगी वो सारी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको करना है। क्या करते थे ऑन साइट, हम लोग ऑन साइट हम लोग प्लानिंग करते थे, मतलब पहले प्लानिंग करके एक बना देते थे ऐसे ऐसे रूम बनाएंगे, एक प्लानिंग का काम करते थे। दूसरा ऑन साइट काम क्या करते थे, दूसरा ऑन साइट काम करते थे कि हम लोग एक बढ़िया सा वॉल कॉलम बीम फुटिंग ये सब ऐड करते थे, और उसके बाद तीसरा उसमें हम लोग क्या करते थे, स्लैब वगैरह लगाते थे, चौथा क्या करते थे उसका एस्टिमेशन वगैरह क्रिएट करते थे। तो ये जितना काम आप ऑन साइट करते थे उन सारे काम को आप यहाँ पर बेसिक रूप से करोगे, और यहाँ पर जस्ट उसको स्टार्ट करोगे पूरे काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसको करने के लिए मैं पहले आपको ऑटोकैड सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर ऑटोकैड मुझे आता है, डेफिनेटली आपको ऑटोकैड आता होगा, बट जिस ऑटोकैड की हम बात कर रहे हैं शायद उसमें आप पर को पूरा ना आता हो। ठीक है, तो ऑटोकैड में भी टेंशन मत लेना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑटोकैड में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है 2 4 दिन तक बोर फील होगा, क्यों, अरे सर ये तो बेसिक है तो मुझे आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे के जो वर्क है वो आपको नहीं आता ये फिक्स है, क्योंकि उसके आगे सबमिशन ड्राइंग है, वर्किंग ड्राइंग है, चेकलिस्ट ड्राइंग है, ये सारे अलग अलग चेकलिस्ट चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट 20 डेज अप्रॉक्स या फिर 15 डेज, वो डिपेंड करेगा आपके असाइनमेंट कितना जल्दी कंप्लीट करते हो, आपका ऑटो कैड रहेगा। उसके बाद हम लोग बीम की पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, दैट इज रेविट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल बीम का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो आज भी होने वाला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं कुछ नया सीख के जाइए। बट बिफोर दैट कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन अपने पूछना पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, जो भी आपके क्वेश्चन है। चलिए प्रथमेश से स्टार्ट करते हैं। यस प्रथमेश, आवाज आ रही है, प्रथमेश आवाज आ रही है, यस सर। बोलो कोई क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में, नहीं सर, वो गलती समझ गया था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलो चलो फैजान को शायद पूछना चाह रहे हैं। हेलो, यस फैजान, फैजान आवाज आ रही, शायद दोनों ने ही जस्ट ट्राई किया कि अच्छा इससे होता क्या है, हैंड रेस जो होता है, हैंड रेस से आपको जस्ट ये आइडिया लग जाता है कि भाई वो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपके माइक मेरे पास आ जाएगा, मैं ऑन करूंगा, तो यहाँ से आप एक दूसरे से डिस्कस कर पाओगे, मतलब मेरे से बात कर पाओगे, अपने क्वेश्चंस रख पाओगे। ठीक है, चलिए जी, तो पहले थोड़ा सा बीम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नया एवरीडे सीखना यही मेरा रूल है और यही आपका भी रूल होना चाहिए, कि अगर हम गुरुकुल में आए हैं तो सर के पास आए तो कुछ तो सीख के जाए। ठीक है, नहीं कुछ तो 5% 10% एक लाइन ही सही, बट कुछ तो सीख के जाएंगे, जीरो नहीं रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग बीम के बारे में समझेंगे, बीम होता क्या है। ठीक है, बीम की दुकान में क्या क्या होता है,
आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ तैयार कर दिया है कंटेंट कि जस्ट उन नोट्स को फॉलो करके इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। हमने पूरा रिसर्च कर लिया मार्केट पे कि क्या क्या पूछते हैं, तो उनके सारे नोट्स हमारे पास हैं। हम सब नोट्स आपको देंगे, सारे सॉफ्टवेयर आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस एवरी डे, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एवरी डे बस इतना ध्यान देना, प्रेजेंट रहना है सर की क्लास में, बस बाकी सब मैं कर दूंगा। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, बीम होता क्या है, बीम कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल इकोनॉमिक एनर्जी एल्सेट्रा। मतलब जो सारा काम अब तक 2D में होता था आपके ऑटोकैड वगैरह में, उन सारे काम को प्रैक्टिकल बेसिस पे 3D में कन्वर्ट कर दिया गया है। उनको 3D में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, ये बीम कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। ऑल डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या लिखा है, AL लिखा, बट AL है एक्चुअली, AI मत समझ लेना। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट कैन शेयर इन अ सिंगल डाटाबेस। अब बोलोगे सर ये ऑल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ऑल डिसिप्लिन मतलब हर डोमेन, आर्किटेक्चर डोमेन, स्ट्रक्चर डोमेन, MEP मतलब कि मैकेनिकल डोमेन, ठीक है, आर्किटेक्चर डोमेन, स्ट्रक्चर डोमेन, मैकेनिकल डोमेन और इलेक्ट्रिकल डोमेन, सारे डोमेन एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं बीम के अंदर। तो ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस, ठीक है, जिसमें एक आर्किटेक्चर मॉड्यूलर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो मॉडल तैयार करेगा, एक स्ट्रक्चर मॉडल रहेगा, उसी स्ट्रक्चर मॉड्यूलर रहेगा उसी फाइल के अंदर वो स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स तैयार करेगा, बीम कॉलम फुटिंग रखेगा, उसी के अंदर एक डक्ट लगाने वाला मैकेनिकल का बंदा रहेगा, उसी के अंदर केबल्स लगाने वाले, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने वाला एक इलेक्ट्रिकल का बंदा रहेगा। तो ऑल डिसिप्लिन एक फाइल के अंदर काम करे, उसी फाइल को क्या बोलते हैं, बीम मॉडल, ठीक है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम अनप्रिडिक्टेबली पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबके सब मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से। ये काम पहले भी होता था गाइस, मतलब पहले भी हम लोग, जैसे जब मैंने जॉब अपना स्टार्ट किया था, तो मैं स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, मतलब सिविल ड्राफ्टमैन बोल मेरी प्रोफाइल थी। तो सिविल ड्राफ्टमैन में क्या होता था कि हमें जस्ट किसी से, सपोज मैं फोन करता था इलेक्ट्रिकल वाले को, भाई ये बताओ तुम इलेक्ट्रिकल की लाइन इधर से ले आने वाले हो क्या, तो बोलता हाँ सर मैं, मेरे को इधर से चाहिए। तो फिर मैं फोन करता, फिर मैं बोलता अच्छा मेल पर मुझे भेजो कैसे कैसे करने वाले हो, तो ऑटोकैड की फाइल मैं रिविजन क्लाउड सेट करके मुझे भेजता। फिर मेरे पास इंटीरियर वाला फोन करता, सर मेरे को इधर फैकेट लगाना है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इधर आप वॉल रखोगे क्या, तो फिर मैं इधर से प्लान करता है। लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती फाइलों में, कि फोन पे समझ में नहीं आता, ऑटोकैड फाइल खोलने पर कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब यहाँ पर जो बीम मॉडल है इसमें बड़ा आराम है, क्यों, क्योंकि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे लोग एक ही फाइल पर हैं, तो सब दिखता रहता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। बीम इज अ प्रोसेस वेन इज, देखो अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज BIM, ठीक है, तो आपको बस एक लाइन में आंसर देना है, स्मार्ट आंसर। बीम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक 3D इंटेलिजेंट मॉडल, इतना बोल दिए वो समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है यही बीम होता है। बीम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस, आगे जो जो पीछे यूजे हैं वो सबको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट इज BIM किसी ने पूछा, तो एक लाइन में आंसर करिए, BIM इज द प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल। अब बोलोगे सर इतने में हो जाएगा, यस, क्योंकि आपने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब उसके अंदर आपने कई इंफॉर्मेशन, आर्टिक लाइक डक्टिंग की इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल की इंफॉर्मेशन, कॉलम बीम की इंफॉर्मेशन, रेनफोर्समेंट की इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन देके क्या कर दिया आपने, उसको इंटेलिजेंट कर दिया। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये बीम हम लोग यूज क्यों करें, सही बात है, आप भी गलत नहीं है कि बीम यूज क्यों करें, क्योंकि कोई चीज यूज करने से पहले आपको बेनिफिट पता होना चाहिए उसका। तो देखो बीम को यूज करने से बेनिफिट क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपकी बीम मदद करेगा, अगर आपकी खुद की कंपनी है या फिर किसी और कंपनी में जा रहे हैं, हर जगह पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ BIM। पहला बेनिफिट जो है वो है
एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर चीजें एग्जैक्ट आप दिखा सकते हो, इतना ही साइज रखना है, सपोज एक वॉल रखना है तो वॉल को एग्जैक्ट आप यहां से यहां तक 6 मीटर का ही रखना है। आप प्रॉपर ड्राइंग में देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं, और उसके मिडिल में विंडो है, तो साफ साफ क्लियर है कि 3 फीट के बीच में, हाफ में, हाफ में, 3 मीटर के हाफ में आपकी विंडो सेट होगी, तो एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। दूसरी चीज, आप अगर डक्टिंग कर रहे हैं, आप अगर इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगाने के लिए आपने 3D में दिखा रखा है कि नीचे से 28 इंच पे लगाना है, और 2D में भी दिखा रखा है, तो एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा चांस है। बाद में अभी जैसे कि मैं एक कंपनी, एक क्या बोलते हैं, फ्लैट पर गया था, वहां पर इंटीरियर का काम हो रहा था, तो उसने बोर्ड के पॉइंट बहुत खराब खराब दे दिए थे। बोर्ड के पॉइंट ऐसे दे दिए थे कि आप चार्जिंग पॉइंट को यूज ही ना कर पाओ मोबाइल वगैरह। आप जानते हो आजकल लोग आलसी हो गए, मैं भी आलसी, आप भी आलसी, सब लोग आलसी। कैसे आलसी हो गए हैं कि हमको बेड के पास चार्जिंग पॉइंट चाहिए, जिससे कि चार्ज में लगा के मोबाइल और रील्स देख सके, ठीक है। तो ये चीजें अब तभी पॉसिबल है जब आप उनको कंफर्ट दोगे, तो एक्यूरेसी की थोड़ा सा उसमें कमी हो गई, तो उन्होंने बोला मुझे फिर से वायरिंग कराना पड़ेगा। हमने कहा या तो एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है टाइम सेविंग टेक्निक। गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आप बीम में एक ही प्रोजेक्ट पर हो, मुझे बार बार फोन नहीं करना है कि भाई तुम कॉलम किधर लगाने वाले हो, देख लो अपना, मैं इधर बीम वॉल लगा रहा हूँ। वो बोला तुम लगाओ तो सही, हम देख रहे हैं सब कुछ। मतलब टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि एक ही फाइल पर सबको काम करना है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ये, ठीक है। यहाँ पर आप पैसे बचा सकते हो, आपने 3D में देख लिया कि यार ये चीज अच्छा नहीं लग रहा, प्लस इसको लगा के कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला, हटा दो उस चीज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर विजुलाइज हो रहा है ना कि आपको यहाँ पर पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, और वो क्वालिटी भी नहीं आ रहा है उस पैसे को देने के बाद, हटा दो उस चीज को। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अभी मैंने बोला ना, फोन करो, फिर रिविजन क्लाउड लगाओ, फिर मेल करो, फिर एक हफ्ते बाद रिप्लाई आए कि कौन से प्रोजेक्ट पे क्या प्रॉब्लम है। इससे बेटर है यहाँ पर एक ही फाइल पर सब लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तुरंत एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया, लिख के दे दिया। वहां पर कई ढेर सारे मेथड हैं लिखने के, तो आगे डिस्कस करेंगे। इजी इन्फॉर्मेशन एक्शन, ठीक है। आप कैसा मॉडल आपका बनेगा, उसका एक 3D प्रिंटिंग मॉकअप बना के दे दिया कि भाई देख लो, आप विजुलाइज कर लो कि आपका फ्लैट बनने के बाद बालकनी ऐसे दिखेगी, आपकी बालकनी से सी व्यू ऐसे दिखेगा, भले हो नाला दिख रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे रिवर्स रिवर्स कह रहते हो, नाले ही रहते हैं, रिवर्स को दिखा के जो सेल्स वाले होते क्या बोलते हैं, ये आपका सी व्यू है, ठीक है, और बाद में सी व्यू देखा जाए तो छोटी सी नाली रहती है। इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि 3D प्रिंट मॉकअप्स ऐसा दिखेगा, गार्डन ऐसा दिखेगा, स्कूल ऐसा दिखेगा, ये सब। इसके अलावा गाइज आप सब सिमुलेशन कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये सिमुलेशन कौन सी भला है, तो सिमुलेशन मीन्स होता है कि आप सभी को मिक्स करके एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो कि आपका फुटिंग ऐसे आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर बीम आएगी, फिर वॉल आएगा, फिर स्लैब आएगा। आप अपने पूरे स्टेप्स को सिमुलेट कर सकते हो, मिला सकते हो, मिला के एक एनिमेशन व्यू क्रिएट कर सकते हो, वो आप नेविसवर के अंदर करोगे, आगे आप देखोगे। उसके बाद है आपका इन्वेंटरी एंड एसेट मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इसका क्या काम है सर सॉफ्टवेयर में? तो इन्वेंटरी में ऐसा होता है गाइस कि अभी आपको सपोज मैं अभी सीमेंट खरीद रहा हूँ, या फिर अभी जैसे रिसेंटली आपने बीच में अगर देखा होगा तो स्टील का रेट बढ़ गया था, तो स्टील का जब रेट बढ़ गया था तो अब उस समय पर ढेर सारा स्टील अगर खरीद के रखना हो तो लॉस है लोगों का, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अभी फिर बाद में सस्ता भी तो हो गया ना, तो अगर उस समय जिसने खरीद लिया ढेर सारा, वो खरीद कर रख दिया, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा भी रख दिया, तो उसका लॉस हो रहा है ना एक तरीके से। लेकिन अगर आपने ये मटेरियल का एस्टिमेशन निकाल लिया कि इस महीने में मुझे इतना ही मटेरियल लगेगा, उसके लिए 5D आपको बहुत हेल्प करता है, मतलब नेविस वर्क बहुत हेल्प करता है। ये सारे स्टडी मटेरियल, सारे PDF आपके ग्रुप में आ जाएंगे आफ्टर क्लास, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको एसेट मैनेजमेंट कर सीखना है। एसेट मैनेजमेंट मतलब इस महीने में केवल 600 बैग ऑफ सीमेंट लगेंगी। ओके जी, तब तो 600 ही खरीदता हूँ। आपको इस महीने में केवल 60 टन स्टील लगने वाला है, तो केवल 60 टन ही खरीदता हूँ ना यार, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो, फिर जब सस्ता होगा तो फिर उस समय खरीद लेना। अब क्या होगा, आपने लिमिटेड मटेरियल खर्च किया, मतलब खरीदा, तो अब आपको गोडाउन जो खरीदोगे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो गोडाउन आपको छोटा चाहिए, आपको पैसा बच रहा है,
ठीक है, बहुत बड़ा सा गोडाउन को रेंट पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है जिस महीने में जितना लगेगा उतना मंगवा लेंगे, एक एक महीने का स्टॉक पहले से एक्स्ट्रा क्यों करना। ठीक है, तो इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट का पूरा आइडिया लग जाता है। इसके अलावा आपका स्कैडा और बीएमएस इंटीग्रेशन, बीएमएस होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्कैडा और बीएमएस, मतलब कि आपने देखा होगा कि अभी आजकल जो अच्छी सोसाइटीज बन रही है उसमें क्या हो रहे हैं, उसमें स्कैडा की कोडिंग हो जाती है। स्कैडा एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है जिसमें आपकी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसमें 6 बजे इवनिंग में ऑटोमेटिक लाइट्स जल जाएंगी। कैसे, वो स्क्रिप्टिंग हो जाती है कि भाई इतने बजे आपकी ऐसे से लाइट ऑटोमेटिक को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं और वो ऐड हो जाती है। आपका 7:30 बजता है, तो अब पहले तो मैनुअल था कि आप जाके पानी खोलता था, कोई पानी खोलने में कभी लेट हो गया तो 5 मिनट लेट पानी आएगा। अभी क्या हो गया, अभी सिस्टम हो गया है, अभी 5 बजे 7 बजे 7 बजे ऑटोमेटिक आपके घर पे पानी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बीएमएस इंटीग्रेशन हो गया उसके अंदर, तो ये सारा काम हो गया है। उसके अलावा आपके इसमें भी बेनिफिट होता है कि आपको पानी नहीं देना है गार्डन में, वहां पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, आपको हर तीसरे दिन पर आपको ऑन रहेगा, अपने आप स्प्रिंक करके पानी दे देगा गार्डन में। ऐसे कई ढेर सारे भी एडवांस फीचर्स आए हैं, आगे डीप में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आप ऑफिस के अंदर जा रहे हो, ऑफिस के अंदर आपको स्कैन करेगा, आपका फेस मिलेगा तो ऑटोमेटिक गेट खोल देगा। ठीक है, कई लोग ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, क्या है ये, वो स्कैडा और बीएमएस का इंटीग्रेशन ही रहता है। आप आईडी कार्ड दिखाते हो, पहचान जाता है, अच्छा ये भाई साहब रोज आते हैं, इनको आने देते हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। पार्किंग में जाते हो, कोई गेट नहीं खोलेगा, आप जस्ट एक आई कार्ड लगाओगे, आपके वहां पर स्कैनर होगा, ठीक है, बीएमएस इंटीग्रेशन है वो, तो ऑटोमेटिक आपकी पार्किंग का गेट खोल देगा, जाइए आप अपनी गाड़ी लगा दीजिए। तो ये सारा काम किस में आ रहा है, बीएमएस इंटीग्रेशन में आ जाता है। इसके बाद होता है बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन्स आपकी सोसाइटी में, और कुछ लोग माइक शायद ऑन करना चाह रहे हैं, तो माइक गाइस अभी अवॉइड कर लो थोड़ी देर के लिए, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके माइक ऑन करके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे पूछ लेना। क्यों, क्योंकि स्लाइड को बंद करके फिर माइक ऑन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप मैसेज कर सकते हैं बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैसेज करते रहिए अगर आपको कुछ भी पूछना है। तो बिल्डिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत ही काम की चीज है। बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें आप पूरा मैनेज करते हो कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए आप कैमरे लगा देते हो, कैमरे लगा के अभी तक क्या था कि आप कम से कम 5 गार्ड रखते थे चारों डायरेक्शन में अलग अलग, अब क्या हो गया, एक गार्ड रख दीजिए और उसके बाद आप कैमरे लगा दीजिए चारों तरफ। अब वो गार्ड क्या करेगा, उसी टीवी के अंदर देख रहा है, उसको देख रहा है कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जाके फट से देख लिया वहां पर, क्या हो गया, आपकी यहाँ पर मैन पावर कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, आपने देखा कि आपके सोसाइटी में किसी की एंट्री हो रही है, अब वो कौन है, पहले क्या होता था जैसे कि आपकी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है तो कोई अगर आया अननोन पर्सन तो बोलते थे भैया किस फ्लैट में जाएंगे, बोलेंगे इस फ्लैट में जाएंगे, अच्छा रुकिए उनका नंबर दीजिए, फिर आप रुकिए उनको मैं कॉल कर, हेलो सर आपके यहाँ पर ये गेस्ट आने वाले हैं क्या, अब वो कॉल उठाएं कि ना उठाएं बड़ी समस्या है। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया, अभी कर दिया है कि आपको जस्ट आपका फोटो खींचेंगे और खींचने के बाद उस फ्लैट पर डाल देंगे कि ये पर्सन आए हुए हैं, और अब आपके पास ऐप में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, आपने देखा अच्छा ठीक है ये तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, सिंह जी हैं, ये हैं वो हैं, अच्छा हाँ मैं तो इनको जानता हूँ, अलाउ, अब वो भेज देंगे आराम से। डिलीवरी वाला आया हुआ है प्रोडक्ट लेके, अच्छा ठीक है ऑन कर दिया, ओके आपका प्रोडक्ट आया हुआ है आके ले लीजिए। पहले कई बार ऐसा होता था कि प्रोडक्ट दे के आया चला गया भूल गया या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अब सब रिकॉर्ड है आपके पास कि आपसे मिलने कौन कौन आ चुका है, कितने कितने बजे आया हुआ है। ठीक है, तो बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, और भी बहुत कुछ है, अभी तो आगे डेप्थ में डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट थोड़े थोड़े फायदे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, बीआईएम के बेनिफिट देखो कितने ढेर सारे बेनिफिट है, एक्यूरेसी है, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, 3D प्रिंटर मॉकअप है, सिमुलेशन है, इन्वेंट्री है, स्क्वाडा है, बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट है। अब आप इमेजिन करिए इतनी स्किल्स अगर आप सीख लेंगे तो आपको बेनिफिट कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर में आपके कैरियर को ग्रोथ के लिए। चलिए जी आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि बिल्डिंग के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बीआईएम के अंदर आते हैं। सर समझ नहीं आता कि ये जो हम कंपनी में काम कर रहे हैं वो बीआईएम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीआईएम के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है उसको जानने का सिंपल मेथड है, उसको नाम है क्या, उसका नाम है कि अगर आपका बिल्डिंग जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, क्या है आपकी बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या फिर आपकी बिल्डिंग सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग वाली बिल्डिंग है, या फिर आपकी बिल्डिंग क्लास व्यू मॉडलिंग का काम करती है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करती है, ऑफिस के स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करती है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करती है,
रेसिडेंशियल इंटीरियर करती है, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर करती है, बिल्डिंग एक्सटीरियर करती है, इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपका होता है तो आप बी मॉडल को उसमें अप्लाई कर सकते हो। बी मॉडल कोई दूसरी दुकान नहीं है, बी मॉडल मतलब आप पहले से रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना लीजिए। सपोज दो लोग हैं आप में से, ठीक है, एक लोग क्या बोलते हैं 3D मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, और एक लोग जस्ट उसका प्लान बना के जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोग आपने एक ऑफिस खोला, और ऑफिस खोलने के बाद एक लोग आए आपके पास, और आने के बाद वो बोलते हैं कि भाई साहब मुझे एक घर बनवाना है, ठीक है। तो दो सिविल इंजीनियर गए, एक सिविल इंजीनियर गया वो एक छोटा सा ऑटोकैड पे प्लान लेके गया, और एक गया ऐसे ही 3D बना के प्रॉपर गया कि आप बालकनी में खड़े होंगे तो आपका व्यू ऐसा दिखेगा, आपकी कार यहाँ खड़ी होगी, गार्डन ऐसा दिखेगा, ये हो गया। अब ये दोनों में से चांसेस ज्यादा है कि दूसरे वाले को प्रोजेक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू पहले वाले। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक नॉर्मल इंसान को जल्दी नहीं समझ में आएगी, पर 3D हर किसी को समझ में आ जाएगी। तो आपने छोटा सा बीम का एक यूज किया कि जस्ट 3D बना लिया, और उसके साथ एक BOQ दे दिया उनको कि भाई साहब आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना लगेगा क्योंकि इतने 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 रुपए के मटेरियल्स आपके लग जाएंगे, और एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि आपको अगर कभी भी फ्यूचर में करना है तो आप हमसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे ऐसे होने वाला, मैं इतने रुपए में आपका प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। दूसरा वाला बोला भाई मैं तो देखूंगा कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा, अभी एस्टिमेट नहीं किया, आप देख लीजिए मैंने ऑटोकैड पे प्लान लाया है, आपको बनवाना है तो बताइए हम एस्टिमेट करके देंगे इतना इतना पैसा लगेगा। तो दूसरे वाले को प्रोजेक्ट का बहुत रेयर है कि मिले, पहले वाले को जिसने पूरा काम करके गया है उसको मिल जाएगा। तो ये है बी मॉडल का पहला बेनिफिट आपके सामने एक्चुअल वाला। दूसरा, आप बी मॉडल से और कुछ कर सकते हो क्या? मतलब ये 3D तो बहुत आसान बात हो गया, यस 3D बनाने के अलावा BOQ भी आसान बात हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना भी आसान हो गया। आप 3D मॉडल से इस तरीके से प्रॉपर 3D विजुलाइजेशन कर सकते हो, एनर्जी एनालिसिस कर सकते हो, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स कर सकते हो, BOQ कर सकते हो, और प्री फैब्रिकेशन कर सकते हो। मतलब इसमें प्रॉपर आप 3D विजुलाइजेशन बना सकते हो पूरा मॉडल, उसमें आप एनर्जी एनालिसिस की भाई सनलाइट कितना आएगा, किस डायरेक्शन से आएगा, फुटिंग कैसे होगी आपकी दिखेगी, ग्लास लगाने से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, आपके बेडरूम में कितनी लाइट आएगी, सेक्शन कट करके देख लिया, प्री फैब्रिकेशन का पूरा काम कर लिया, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग कर लिया कि कॉलम बीम कैसे कैसे लगेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे कैसे डालेंगे, एनर्जी एनालिसिस कर लिया कि भाई सनलाइट का कहीं कमी तो नहीं रहेगा, वेंटिलेशन कम तो नहीं रहेगा, ये सारा प्लान आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं। तो ये बीम का दूसरा काम है गाइस, ठीक है सर, सिमुलेशंस को एक बार एक्सप्लेन। ओके ओके मैं कर देता हूँ सर। व्हेन यू सर विल यू टीज ऑन हाउ टेंडर एंड डॉक्यूमेंट डन? नहीं, टेंडर नहीं डन करते, टेंडर एक पूरा अलग डोमेन है, बट आप बीम के अंदर कैसे किसी को एस्टिमेट करके दोगे वो निखिल आपको बताएंगे कि इस तरीके से कर सकते हो। ट्रेंडिंग में जाओगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्रेंडिंग एक पूरा एक अलग सेक्टर है, वो बीम से इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। विनोद बोल रहे हैं कि सर एक बार सिमुलेशन को बता दीजिए। तो देखो सिमुलेशन क्या होता है दोस्त, सिमुलेशन मतलब होता है, एकदम आसान करता हूँ, ठीक है, आसान क्या कि आपने क्या कर दिया, आर्किटेक्चर की फाइल को, स्ट्रक्चर की फाइल को, और MEP की फाइल को, तीनों फाइल को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपने इमेजिन करो एक आपने वीडियो बना दिया, वॉक थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, कि पहले आपकी क्या आई, फुटिंग आई, ठीक है। आपने कैसे ऐसे कई ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी नेट पर, मुझे आइडिया है कि जिसमें एक बार फुटिंग आया, फुटिंग के बाद तुरंत आपका कॉलम फटाफट आ गए, कॉलम के बाद उसमें बीम लग गए, बीम के बाद उसके ऊपर स्लैब लग गया, फिर आपने डोर्स लगा दिए, सॉरी डोर नहीं, आप वॉल्स लगा दिया, वॉल्स लगाने के बाद आपने डोर लगा दिया, मतलब स्टेप वाइज कैसे कंस्ट्रक्शन होगा उसको एक वॉक थ्रू के रूप में प्रेजेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन, मतलब मिला के दिखा देना कैसे कैसे क्या क्या होगा। क्लियर है विनोद? और आसान में कैसे बता दूं, और आसान अगर तुम समझना चाहो तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यही एक ऑप्शन है, ठीक है, सबको मिक्स करके एक फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, ठीक है। व्हाट इज प्री फैब्रिकेशन? प्री फैब्रिकेशन मतलब होता है कि देखो यहाँ पर एक केबल ट्रे लगा है ना ब्लू कलर का, ठीक है, इस केबल ट्रे को पहले से प्लान कर लेना कि केबल ट्रे का साइज इतना रहेगा, और उसकी एक ड्राइंग क्रिएट कर लेना कि केबल ये जो पिंक कलर, सॉरी सियान कलर का जो ये दिख रहा है, ये सियान कलर वाला केबल ट्रे है, इसमें से तार जाती है, सारी इलेक्ट्रिकल की तारें जाती है, तो अब इनको पहले से फैब्रिकेट करने का प्लान कर लेना कि ये जो रहेगा
ये 34 mm का रहेगा, 35 mm का रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं 20 inches का रहेगा, या फिर 16 inches का रहेगा, जो भी साइज है उस साइज की पहले से ड्राइंग बना लेना, उसका एक थिकनेस दे देना कि 20 mm, 10 mm, 5 mm की थिकनेस सफिशियंट है इसके लिए, जितना भी आप थिकनेस देना चाह रहे हैं वो थिकनेस प्रेजेंट कर देना। तो एक ऐसी ड्राइंग बना देना जिसमें से आप बता सकें कि ये कैसे बनेगा ये, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर रेड कलर की पाइप देख रहे हैं, पाइप्स, ये रेड कलर की जो पाइप्स हैं ये फायर फाइटिंग की पाइप्स हैं। अब ये साइट पर लगने से पहले आप एक प्री फैब्रिकेशन ड्राइंग निकाल लीजिए कि ये पाइप जो है, ये पाइप जो रहेंगी वो टोटल 2 इंच की रहेंगी, ओके। और इस पाइप की जो इनर गैपिंग रहेगी या फिर जो आउटर थिकनेस रहेगी वो 5 mm या फिर 2 mm की रहेगी। आपने पहले से एक ड्राइंग क्रिएट कर लिया और ये एग्जैक्टली 20 मीटर जाएगा, फिर राउंड करेगा, आपने पहले से निकाल लिया। तो ये सारा टर्म्स पहले से प्री फैब्रिकेशन की ड्राइंग क्रिएट कर लेना, उसी को बोलते हैं क्या, प्री फैब्रिकेशन। और ये सब डायरेक्ट मार्केट से आप ले आके इंपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर है अदनान? चलो, एक तीसरा जो काम BIM का होता है सर्विस प्लानिंग एंड 3D मॉडलिंग। सर्विस प्लानिंग मतलब आपकी बिल्डिंग बन गई है, अब उस बिल्डिंग के अंदर डक्ट वर्क करना है। क्या करना है? डक्ट का काम करना है आपको, उसके अंदर यहाँ पर फायर फाइटिंग की लाइन लगानी है आपको, उसके अंदर केबल ट्रेस बिछाने हैं। तो ये सारा काम जो होता है इसको बोलते हैं सर्विस प्लानिंग। इसके लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कि आपके पूरे बिल्डिंग के अंदर हम लोग डक्टिंग प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल लाइन प्रोवाइड करेंगे, ये सारा MEP कवर करके देंगे। तो ये काम के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए आप BIM में क्या कर सकते हो, 3D विजुलाइजेशन करके उनको दिखा सकते हो कि ऐसा 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 आपका बना के मैं देने वाला हूँ। क्लैश पॉइंट, क्लैश पॉइंट मतलब होता है कौन किससे टकरा सकता है, ठीक है, उसको पहले से आप फाइंड आउट कर लेंगे, इस फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो उसको बोलते हैं क्या, क्लैश पॉइंट। आगे दिखाता हूँ कैसे क्लैश का प्रॉब्लम जाता है। और उसके बाद प्री फैब्रिकेशन अभी भी बता ही दिया आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, सर्विस प्लानिंग एंड 3D मॉडलिंग। अब लोग सर ये क्लैश व्यू वाला थोड़ा लफड़ा समझ में कम आया, तो क्लैश व्यू का मतलब होता है गाइस, जैसे कि आप कोई लाइन बिछा रहे हो, आपको पहले से आइडिया नहीं है कि मेरा जो ये पाइप है ये पाइप कहाँ जाके गड़बड़ कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर के रिमार्क बन रहे हैं ना, अब ये रिमार्क बन, अब ये पाइप के लिए आपको बीम को होल करना पड़ेगा, ये तो डक्टिंग है, डक्टिंग को होल करना पड़ेगा, गड़बड़ है, पहले से चेक कर लिया होता तो इसके नीचे से लेआउट को बना देते हैं इसका। ये देखिए नीचे वाले जो एक दो कलर की पाइपें मिक्स हो गई हैं, अब इसमें से मान लीजिए कूलिंग का कुछ आ रहा है और इसमें से हॉट कुछ आ रहा है, तो मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे बहुत बार प्रॉब्लम होता है। और जो बीम मॉडल नहीं बनाते हैं उनको ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनको बाद में पता चलता है लगाते समय, अरे यार ये तो मिल रहा है, क्या करें, ठीक है। लेकिन जिसने BIM मॉडल बनाया है वो क्या कर सकता है, वो लैपटॉप पे पहले ही देख चुका है कि ये गड़बड़ है, ठीक है। किसी की पाइप जो है वो केवल 1.6 मीटर पे है, अब कोई बड़ी गाड़ी आ गई और पार्किंग हो रही है तो अब उसके पाइप के नीचे आना पड़ेगा या हो सकता है टकरा जाए, ठीक है। इस तरह के फ्यूचर में जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको पहले से निकाल लेना, उनकी रिपोर्ट क्रिएट कर लेना, उनको सॉल्व कर लेना, उनको बोलते हैं क्लैश व्यू मॉडलिंग। इसके लिए आप लोग यूज करते हो इंडस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, क्या ऐड करते हो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आप ऐड करते हो कि आपका एक पूरा रिपोर्ट क्रिएट होके आ जाएगा कि क्या क्या कॉस्टिंग लगेगा, कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे काम को, उसको बोलते हैं क्लैश व्यू मॉडलिंग। होप क्लियर हो गया होगा आपको क्लैश व्यू मॉडलिंग्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, नेक्स्ट टर्म है आपका स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग। क्या, स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग, वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग मतलब होता है जो आप टेकला के अंदर करोगे, रवि स्ट्रक्चर्स के अंदर करोगे, आपका पूरा का पूरा वेयर हाउस कैसे बनेगा, आपका पूरा का पूरा वेयर हाउस कैसे कैसे बनेगा, उसमें कनेक्शंस कैसे कैसे लगाएंगे। अब ऑन साइट करके देखना बहुत गलतियां हो सकती है, पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लिया आपने, अच्छा कनेक्शन ऐसे ऐड करेंगे, देखिए आपका नट बोल्ट के कनेक्शन है, कॉलम स्प्लाइस, अब आपने कॉलम स्प्लाइस में ये कनेक्शन लगा के देख लिया कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, भाई ऑन साइट आप गए एक कॉलम स्प्लाइस आपने मार्केट से खरीदा लगाने लगे, बाद में पता चला यार वो कनेक्शन के लिए मजबूत नहीं कर पा रहा है, फेल कर दे रहा है, प्रॉब्लम होगी। हमने क्या किया,
पहले से खरीद लिया और पहले से यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया कि भाई ये यहाँ के लिए सुटेबल है क्या, उसने बोला यस सुटेबल है, तो हमने क्लियर कर लिया अच्छा सुटेबल है, कितने ओम का सुटेबल है, कितने बोल्ट्स लगेंगे इसके लिए, तो इसे पहले से जब क्लियर रहेगा तो आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के VIM को यूज करने से आपका 20-25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि चीजों का वेस्टेज कम हो जाता है, एग्जैक्ट जो चीज जहाँ चाहिए वो चीज लग के आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ GA ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं आप, टेकला में रेवी स्ट्रक्चर्स में उसको बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। आप डिटेल ड्राइंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्राइंग, सॉफ्ट ड्राइंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, वो सब आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी अपने ट्रेनिंग में सीखने वाले हो, ये सबको हम लोग एक एक करके डेप्थ में करेंगे। आगे और भी कुछ काम कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, आपने ऑफिस खोला हुआ है ना, आप ऑफिस खोलने के प्लान में होना कि सीखूंगा, सीखने के बाद अपना खुद का ऑफिस खोलूंगा, तो खुद खुद के ऑफिस का एक इंटीरियर का भी BIM मॉडल बना सकते हो। कल को चेयर्स कम ना पड़े, चेयर्स जितने स्पेस में रखा है क्या उतना स्पेस सफिशियंट है, यहाँ के चेयर पर जो आदमी बैठा हुआ है क्या ये डिस्प्ले उसको दिखेगा पीछे वाला ऑफिस का हॉल का, अगर दिखेगा नहीं तो अच्छा स्क्रीन डिस्प्ले की बड़े रख देते हैं, पहले से पता है। अब आपने टीवी खरीदी, बाद में पता चला पीछे तक दिख ही नहीं रहा है, अब आप गए दूसरा एक खरीद के लाए, आपका पुराना वाला वेस्टेज में चला गया। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, इवन आप चेयर तक की मॉडलिंग कर सकते हो कि चेयर कितने साइज का रहे कि बैठने के लिए स्पेसियस रहे, अच्छा रहे, वो सब भी आप डिजाइन कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्या, ऑफिस इंटीरियर, इसके अंदर भी BIM मॉडल यूज कर सकते हो। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब आगे का जो इंट्रोडक्शन ये बहुत लॉन्ग है, बट अभी तुरंत में आपके पास कई ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, पहले उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सब तो आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, जो लोग थोड़े लेट आए हैं या फिर जो लोग को कम समझ आए समझ लो, फिर भी डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लो मेरे से कि सर ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन दिलीप ने पूछा हुआ है। BIM कॉन्सेप्ट है क्या भाई? BIM का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो सारा काम आप 2D में करते थे ट्रेडिशनल मेथड से, आज उसको हम लोग प्रैक्टिकल रियलिटी में बना के देखना चाहते हैं, ठीक है। 2D में हम लोग एक कार ड्रॉ कर देते थे, आज हम लोग कार बना के देखते हैं कि एग्जैक्टली कार कैसा दिखेगा, ठीक है। तो फिर आलो मैकेनिकल का है, बट हम लोग को सिविल में क्या करना है कि जो प्लान बना था उसको 3D में करके उसके फंक्शंस कैसे काम करेंगे, कैसे उसमें कूलिंग होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा आपके रूम का, क्या बजट लग जाएगा, कितनी क्या बोलते हैं सनलाइट की जरूरत पड़ेगी आपके रूम के लिए, सब कुछ चेक करना वो BIM के अंदर ही आता है। तो ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट कैन शेयर इन सिंगल डाटाबेस, उसी को क्या बोलते हैं BIM मॉडल, मतलब एक ही फाइल में सब लगे हुए हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब लोग, ठीक है, और सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसी फाइल पर सब लोग जाके काम कर सके और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके कि भाई यहाँ पर ये आप जो बना रहे हो केवल ट्री क्या यहीं से लेके जाओगे क्या? तो उन्होंने बोला यस यस सर, मुझे यहीं से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो डक्ट का पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो केबल ट्री हटा नहीं सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट करके एक ही फाइल पर डिस्कस कर पा रहे हो। और अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज BIM, तो सिंपल स्मार्ट आंसर दीजिए, BIM इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल। चलिए ये था, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था BIM के बेनिफिट, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आप पढ़ रहे हो तो आपको 4 महीने में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो 4 महीने में इन चीजों की एक्सपर्टीज आने वाली है आपके पास, क्या एक बढ़िया एक्यूरेसी वाला मॉडल बना पाओगे, टाइम बचा पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पर क्या होता है एक एनिमेशन बनाते हैं जो कि सिमुलेशन का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली किस महीने में कितना काम होगा, तो आपको किस महीने में कितने लेबर की जरूरत है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि एग्जैक्टली हमको कैसे कैसे टाइम पर क्या क्या करना है, कब कितना मटेरियल लगेगा, पहले से एनालिसिस है, तो वेट नहीं करना कि यार 2 दिन वेट करो अभी मटेरियल आ जाएगा तब काम करेंगे, क्यों, पहले से पता था ना कितना मटेरियल लगेगा, तो टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई चीज वेस्टेज नहीं जाएगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, ठीक है। 10% तो कॉस्ट रिड्यूस होना ही है अगर आपने BIM मॉडल यूज किया। अमेरिकन एक संस्था है स्मार्ट बिल्डिंग करके, एक NGO है जो जिसने बोला है कि अगर आप पूरी तरीके से BIM मॉडल को एग्जीक्यूट करिए तो 20 से 25% तक आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, बहुत बड़ा टर्म होता है 20 से 25%। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, 3D प्रिंटर मॉकअप बना सकते हो, ठीक है, सिमुलेट कर सकते हो, चीजों को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट एक
इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट कब कितनी की जरूरत है उतना आप क्लियर कर सकते हो, स्केडा और बीएमएस मतलब ऑटोमेशन कर सकते हो अपने बिल्डिंग के अंदर, इतने बजे लाइट जलेगी, इतने बजे मॉर्निंग हुआ अब सनलाइट आ गई, लाइट ऑफ, ठीक है। अभी इसमें और भी टर्म्स है, जैसे अगर मैं और पढ़ाऊँ तो स्मार्ट बिल्डिंग होता है, ऑफ ऑफिस में 10 बजे जाओगे ना तो 9 बजे ही ऑफिस का कूलिंग फैन जो कूलिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, कोई जाके स्टार्ट नहीं करेगा उसको, ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वहां पर जाओगे तो कूलिंग कूलिंग तुमको ऑटोमेटिक लगेगा, नहीं प्रतीक वीडियो तो नहीं स्टॉक पर बदल। उसके बाद आपके कुछ कहाँ कहाँ पर बीआईएम मॉडल को यूज कर सकते हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कर सकते हैं, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग में कर सकते हैं, क्लास व्यू मॉडलिंग में कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में, ऑफिस इंटीरियर का भी प्रोजेक्ट में, कॉमर्शियल इंटीरियर में, रेजिडेंशियल इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, बिल्डिंग मतलब हर एक काम में लगभग लगभग आप बी मॉडल को यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द कैन से की शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द बीआईएम, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि एग्जैक्टली ये काम कर लेंगे हम लोग। चलिए अब पहले आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को सॉल्व करेंगे तब आगे चलेंगे, और उससे पहले मेरे क्वेरीज को आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको जो मेल करना है, जैसे कि आज आपका कोई काम नहीं है तो आप क्या मेल करेंगे आज, जैसे मैं अभी देखिए मैं आपको ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ, जिस जो आपकी पर्सनल मेल आईडी रहेगी जिसमें आप ही लोग का काम रहता है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com पे आपको मेल करना है। क्या मेल करना है गाइस, ठीक है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कल आपको सिर्फ अपना रिज्यूम मेल करना है, ठीक है। अभी क्योंकि अभी तो हम लोग कुछ ऑटोकैड में इंट्रोडक्शन हुआ नहीं ना हमारा, ऑटोकैड तो कल से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखिए यहाँ पर बच्चों ने जैसे मेल किया हुआ है वैसे ही आपको मेल करना होता है। ये देखिए जैसे भूपिंदर का मैसेज आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भूपिंदर ने क्या लिखा हुआ है, मैं ग्रुप में फिर लिख के दे दूंगा क्या सब्जेक्ट लाइन रहेगा आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग्स बीआईएम अप्रैल बैच गुरुकुल बीआईएम ट्रेनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, सिविल इंजीनियरिंग्स बीआईएम अप्रैल बैच, आपको लिखना है सिविल इंजीनियरिंग्स बीआईएम जुलाई बैच गुरुकुल, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट लाइन रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग्स बीआईएम जुलाई बैच गुरुकुल, इस तरीके से करके देखो ये भूपिंदर बहुत अच्छे स्टूडेंट है ये ऑलरेडी, देखो ये क्या करते हैं, आगे आपको ये एक्सेल वगैरह मेंटेन करना है, कल से बताऊंगा कैसे करना है, तो किस क्लास में क्या पढ़ा ये पूरा एक्सेल आपको खुद बनाना रहेगा। जैसे कि देखिए आप ऑटोकैड में कल क्या पढ़ने वाले हैं, इन्होंने पूरा रिकॉर्ड बना रखा है पहले से ही, अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही आपको भी एक्सेल शीट क्रिएट करना है कि क्लास 2 में क्या पढ़ोगे आप, लाइव में क्या पढ़ोगे, रिकॉर्डिंग में क्या पढ़ोगे, क्लास 3 में लाइव में क्या पढ़ोगे, रिकॉर्डिंग में क्या पढ़ोगे, क्लास 4 में रिकॉर्डिंग में लाइव में क्या पढ़ोगे, कितना अच्छा बनाया हुआ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से आपको भी अपना एक्सेल शीट क्रिएट करना होता है कि किस दिन हमने क्या पढ़ा, कल को फ्यूचर में आपको रिवीजन करना है, बस एक्सेल शीट से आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा पूरा, अच्छा उस दिन हमने ये पढ़ा था, चलो ये कंफर्म नहीं है फिर से पढ़ लेता हूँ, तो ये पूरी ट्रेनिंग इन्होंने ऐसे ही आपको भी एक्सेल बना के सबमिट करना होता है हर एक मंडे को। फिर बीच बीच में आपके डाउट क्लासेस होंगे, बीच बीच में आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू में आपको हर हफ्ते होता है मॉक इंटरव्यू, तो उसमें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मैंने मॉक इंटरव्यू किया, और इसके बाद डाउट क्लास आपके हुए तो डाउट क्लास भी आपको लिखना है, ऐसे बीच बीच में कई ढेर सारे डाउट क्लास आपको देखने को मिलेंगे। फिर बीच बीच में टेस्ट होंगे, जैसे कि देखिए इनका टेस्ट हुआ था रेविट का कब हुआ था, 8 जून को हुआ था, अब इनका पूरा रिकॉर्ड है ना हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि अच्छा इसके बाद इन्होंने ऐसा किया, इसके बाद इन्होंने 13 को क्या किया, सॉरी 9 जून को क्या किया, इन्होंने 9 जून को इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था क्योंकि 12 जून को इनका मॉक इंटरव्यू था, पूरी रिकॉर्ड है ना। इस तरीके से आपको भी अपना एक्सेल शीट बनाना है, आपको सैंपल्स दूंगा बनाना आपको खुद से, ये इन्होंने जैसे बनाया हुआ है, कल आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जैसे मानसी ने रिज्यूम भेजा हुआ है, इसी तरीके से आपको अपना रिज्यूम भेजना है, ठीक है। ये फॉर्मेट में भेज दूंगा, आप लोग अपना फॉर्मेट अपडेट कर लेना, ठीक है। जैसे मानसी का रिज्यूम है, अब इन्होंने भेज दिया अपना रिज्यूम, तो आपको भी कल ऐसे रिज्यूम भेज देना है अपना, रिज्यूम इसी फॉर्मेट में रखिएगा, ये फॉर्मेट एमएनसी के लिए बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे पूरा का पूरा आपका रिज्यूम रहेगा, ठीक है। एज ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, इसको आप एडिट करके इसी फॉर्मेट को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, सॉरी सॉरी व्हाट्सएप बोला, मेल कर देना मुझे कल, ठीक है। जिससे कि ये पता चल जाएगा आपका गैप कितना है, आपका कैरियर कितना है, और इसके साथ आपका जो प्रीवियस रिज्यूम आपने जो बना रखा है वो भी अटैच कर देना, क्योंकि
तो उस रिज्यूम में मान लो कुछ डाटा है जो इसमें मैच नहीं हो पाया, तो प्रीवियस तो बना ही होगा कुछ, तो प्रीवियस रिज्यूम प्लस ये रिज्यूम इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से कर देंगे। होप बीआईएम की थोड़ी सी कड़ी स्टार्ट हो गई होगी कि पूरे मॉडल को एक ही मॉडल पे सारे लोग काम करें, ये बीआईएम का मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर आप अपने माइक ऑन करके एक एक डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक, जैसे कि इन्होंने बोला है कि सर व्हाट इज क्लास बिल्डिंग नहीं होता, क्लास मॉडलिंग होती है, बोल सकते हो बिल्डिंग भी। क्लास मॉडलिंग मतलब होता है कि कोई चीज किसी से टकरा ना जाए फ्यूचर में। मान लीजिए कि हमने बिल्डिंग बना लिया और बिल्डिंग बनाने के बाद ध्यान नहीं दिया सामने वाले ने, जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था उसने, पॉइंट हमने दिया था कि नीचे से 28 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट दे देना, उसने ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्या बोलते हैं इसको 43 सेंटीमीटर पर रख देता हूँ, और 43 सेंटीमीटर पे मैंने एक टेबल पॉइंट दिया था। अब क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, 43 पर मैंने टेबल पॉइंट दिया था, मुझे टेबल लगानी थी, अब उसने तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे दिया, क्लैश हो गया ना, मिल गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्लैश मतलब हो गया। दूसरा एग्जांपल क्लैश का ले सकते हो, मान लो कि मुझे बोर्ड लगाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगाना है स्विच वगैरह ऑन को ऑफ करने के लिए। बोर्ड लगाना था मुझे कहाँ पर, मुझे बोर्ड लगाना था अपने इस पीछे वाली दीवार पे, और बाद में पता चला कि इस पीछे वाली दीवार पे उन्होंने एक बहुत अच्छी सी प्रिंटिंग का टेक्सचर डिजाइन कर दिया है, और प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग है कि 10 हॉर्स आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब क्या हो गया, वहां पर इलेक्ट्रिकल बोर्ड अच्छा लगेगा क्या, गंदा लगेगा, इसको बोलते हैं क्या, क्लैश हो गया वहां पर। ठीक है, आपके रूम के अंदर डक्टिंग की पाइप आ रही है, ठीक है, और वो बीम से टकरा रही है, अब बीम को ड्रिल करोगे तब उसके अंदर से जाएगी, तो बीम की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, तो क्या हो गया, वो क्लैशिंग हो गया। समझ गए दिलीप कॉन्सेप्ट? ठीक है सर, सॉफ्ट ड्रॉइंग एक बार बता देना। ओके, सॉफ्ट ड्रॉइंग मतलब होता है जब कोई भी स्टील का काम होता है, स्टील में सॉफ्ट ड्रॉइंग बनती है, जब कोई स्टील का काम होता है तो सारे काम का, स्टील का जो मान लो स्टील का वेयर हाउस बना रहे हो, ठीक है, उस वेयर हाउस को बनाने के लिए सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स बनाना पड़ता है। मतलब एक जीए ड्राइंग बनाना पड़ेगा, एक असेंबली ड्राइंग बनाना पड़ेगा, एक सिंगल पार्ट ड्राइंग बनाना पड़ेगा, एक आपको उसमें कनेक्शन की ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। अभी ऐसे कई ढेर सारे ड्राइंग्स बन जाएंगी, उन ड्राइंग्स को मिक्स कर देना, मिक्स करके क्लाइंट को सबमिट कर देना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्राइंग्स, सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, सारे ड्राइंग्स मिल गए, जी ड्राइंग मिल गया, असेंबली ड्राइंग बन गया, सिंगल पार्ट ड्राइंग बन गया, मल्टी कनेक्शंस पॉइंट वाली ड्राइंग बन गई, सब मिला के दे देना, उसी को बोलते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन ले लेते हैं आदित्य पंडित का, उसके बाद प्रतीक का। यस आदित्य, आपने माइक ऑन किया, कुछ पूछना है? एक एक करके जिसका जो डाउट है सब लोग पूछ लो आराम से, रिलैक्स होकर। आदित्य माइक ऑन किया तुमने, आज सब लोग गलती से माइक ऑन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, होता है स्टार्टिंग में। ठीक है चलो, मैं प्रतीक कर ले, तो शायद प्रतीक के पास कोई क्वेश्चन है। यस प्रतीक, एनी क्वेश्चंस? वीडियो तुम्हारे स्टॉप नहीं हुआ, टेंशन मत लो। और किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है पूछो। बीम के बारे में थोड़ा तो इंट्रोडक्शन हो गया होगा, थोड़ा तो मजा आ ही गया होगा कि ये चीजें बीम होती है। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन विशाल ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ड्राइंग और आईएफसी। आईएफसी ड्राइंग और सॉफ्ट ड्राइंग पूरे अलग है। सॉफ्ट ड्राइंग मतलब तो हो गया सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स हो गए, और आईएफसी ड्राइंग्स तो वो ड्राइंग है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा वर्क करेंगे। लाइक हमने रेबिट से एक मॉडल बनाया, उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे आईएफसी में। आईएफसी फाइल तो एक 3D फाइल है जिसपे इलेक्ट्रिकल वाला भी काम करेगा, मैकेनिकल वाला, रेंडर वाला, हर कोई काम कर सकता है। तो सॉफ्ट ड्राइंग तो सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग, उसके अंदर कई ड्राइंग्स आ गई, और आईएफसी तो एक केवल एक ड्राइंग है जिसके अंदर सारा कलेक्शन है। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो सारा कलेक्शन में आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है आईएफसी फाइल के अंदर। हेलो यस विशाल, हेलो हेलो, यस विशाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बीम पे कोई एक स्टैंडर्ड होता है ना कि सर इस स्टैंडर्ड पे मैं फॉलो करूँगा, तो उस स्टैंडर्ड का क्या नाम होगा? जैसे अभी अभी अपना एचवीएसी का कोई काम करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड पे हम लोग वर्क करते हैं, तो ऐसे एक बीम पे है तो बीम का कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई स्टैंडर्ड कोड होगा जो उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। कोड्स नहीं होता इसमें, सेट ऑफ कोड्स होते हैं। ठीक है, एक कोड नहीं होता ओके इसके अंदर,
सेट ऑफ द हाँ बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, हर एक में अलग अलग रूल्स लगेगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग रूल्स है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक डीबीबी करके रूल होता है, सीएमआर होता है, डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सेट ऑफ द कोड्स है, मतलब कई ढेर सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोड यूज होंगे। बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो उसमें क्या उसके अलग अलग क्लॉजेस हैं, उसके कोड अलग अलग है, कोई एक रूल नहीं है, क्योंकि काम मल्टीपल है ना। एचपीएससी का हो गया वो एक फिक्स काम हो गया, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप किसी भी कंट्री के लिए काम, जैसे कि अभी हम लोग एक लास्ट बैच में बेल्जियम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब बेल्जियम का जो स्टैंडर्ड है उनके एनोटेशन का साइज, ठीक है, वो अलग एक स्टैंडर्ड का कोड है उनका, ठीक है, उसके बाद उनके उनके जो वॉल की थिकनेस है उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके बाद उनका जो ऊपर का रूफ पैनल होता है, जैसे हम लोग के यहाँ रूफ पैनल मिलते हैं ना, सीट्स मिलती हैं, तो अब वो सीट्स के अलग अलग साइजेस है ना, तो उसके एक अलग स्टैंडर्ड है, सीट के कोड का पूरा एक अलग स्टैंडर्ड है वो, तो अलग अलग सीट उसमें कौन कौन सी बन सकती है, यूज कर सकते हैं, तो सेट ऑफ ऑल द कोड्स हैं इसके अंदर। जैसे कि आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाओगे तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या उनके साइजेस चाहिए, बीम कॉलम सॉरी लाइक लिविंग रूम का साइज क्या चाहिए, हॉल का साइज क्या चाहिए, इसका एक अलग पूरा का पूरा कोड है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो सेट ऑफ ऑल द कोड्स है इसके अंदर, अभी देख डिस्कस करेंगे सारे कोड्स को, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और कुछ जो है आपको घर से पढ़ने के लिए भी देने वाले हैं। ओके सर, सर वन मोर एक और क्वेश्चन है हाँ सर। पूछो। सर ये आर्किटेक्चर और ये सिविल पे क्या फर्क है सर? क्योंकि सॉरी, आर्किटेक्चर, सर आर्किटेक्चर जो ड्राइंग बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, और जो सिविल वाले हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो भी एक आर्किटेक्चर, वो भी प्लान ही बनाते हैं। करेक्ट। तो सर उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आर्किटेक्चर भी देखता हूँ, वो लोग प्लान बनाते हैं, सेटअप करते हैं, और वही सिविल भी लोग करते हैं, तो इसमें सर डिफरेंस क्या है, अगर वही सेम काम है तो? ओके, देखो सेम काम नहीं है, इसको अभी और डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक प्रोफाइल होती है बीम आर्किटेक्ट की, ठीक है, और एक हाँ प्रोफाइल होती है बिल्कुल। बीम मॉड्यूलर की, ठीक है। बीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, स्टार्टिंग प्रोफाइल होती है बीम मॉड्यूलर, ठीक है। बीम मॉड्यूलर पे ही मैक्सिमम लोगों की जॉब लगती है स्टार्टिंग में। तो बीम मॉड्यूलर और बीम आर्किटेक्ट में सिमिलरिटीज थोड़ी सी आती है, कहाँ पर है, मॉडलिंग के जो एक्सटीरियर एस्थेटिक व्यू है उनको संभालने के लिए, उनको बेस्ट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो एक बीम मॉड्यूलर है, वो बीम मॉड्यूलर तीन चीज़ों पर काम करेगा। कैसे कैसे? एक तो काम करता है कि वो कैट टू बीआईएम करता है, ठीक है। कैट टू बीआईएम क्या होता है, आपकी ऑटो कैट की बनी हुई ड्राइंग्स को लेके आता है, कैट टू बीआईएम करते हैं। उसके बाद एक काम करता है वो स्कैन टू बीआईएम करता है, ठीक है। स्कैन टू बीम बोलते हैं उसको, कि जब डाटा क्या बोलते हैं, लेजर स्कैनिंग से स्कैन किया गया है, उसको स्कैन करने के बाद वो रिकैप में गया है, रिकैप से फाइल आई हुई है रेविट के अंदर, और यहाँ पर पूरा का पूरा सेट करता है। ये पूरा काम बीम मॉड्यूलर करेगा, बीम आर्किटेक्ट वाला नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल आ जाती है, कि आपको रिकैप में लेके जाना है, फिर उनके पॉइंट्स क्लिक करने हैं, नॉइस पॉइंट को डिलीट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं, आगे देखेंगे उसके बारे में। तो वो पूरा एक अलग है, कुछ लोग कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए अभी जस्ट इतना ही समझो कि वो प्रोफाइल सिविल इंजीनियर का पूरा आ जाता है। और यहाँ पर बी आर्किटेक्ट का जो सिमिलरिटीज बनती है वो कहाँ पर बनती है, जब कैट टू बीआईएम आता है, क्योंकि कैट की फाइल आर्किटेक्ट भी यूज़ कर सकता है, बी सिविल इंजीनियर भी यूज़ कर सकता है, यहाँ पर सिमिलर है। ओके चलो, और किसी कोई क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन है, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन पूछ लो, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास है, समझने के लिए कि बीम होता क्या है, ठीक है। कोई भी घबराएगा नहीं कि यार इतना बड़ा बड़ा चीज है, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको इतना करना है कि एवरी डे प्रेजेंट रहना है, कल आप रिज्यूम बना के लाएंगे, इतना छोटा सा काम है। कल से ऑटो कैट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो कुछ लोगों को शायद ऑटो कैड आता होगा, तो वो 3-4 दिन आप टेंशन मत लेना, क्योंकि 3-4 दिन बाद ऑटो कैड का वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इनका साविर से कर ले लेते हैं। ये साविर बताइए, हेलो साविर, आवाज आ रही है? आपने माइक ऑन किया है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, एज आपने बताया कि हम एक सिविल इंजीनियर जो है, बिम मॉडलर जो है, बिम मॉडलर का ही चांस रहेगा ना नहीं सर? नहीं 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 चांस नहीं, देखो यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये पहली प्रोफाइल है अच्छा सिविल इंजीनियर, बल्कि आर्किटेक्ट वाला केवल लिमिटेड प्रोफाइल है। सिविल इंजीनियर बीम मॉडलर बनेगा, बीम इंजीनियर बनेगा, बीम टेक्नीशियन बने, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इसीलिए मैं हाँ हाँ स्टार्टिंग में सब डिस्कस नहीं करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। बीम मॉडलर पहली प्रोफाइल है, जैसे ड्राफ्ट में नहीं होता स्ट्रक्चर्स के अंदर,
वैसे ही इसके अंदर बीम मॉड्यूलर वाली प्रोफाइल है, फिर आप बीम इंजीनियर बन सकते हो, बीम टेक्नीशियन बन सकते हो, बीम स्पेशलाइजेशन वाले बन सकते हो, बीम कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, बीम मैनेजर बन सकते हो। तो बीम मॉडलिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ऐसा मैंने बोला। हाँ अलग, हाँ सर अलग अलग प्रोफाइल्स है। यस, हाँ सर, प्रमोशन तो मेरा प्रोफाइल। एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ तो अभी जो बीम पे जब वर्क कर रहे हैं, तो हम एज ए सिविल इंजीनियर जो एज ए जो बेसिक प्रोफाइल जो है बीम मॉडलिंग पे जो कर रहे वर्क, तो बीम स्ट्रक्चर वो तो हम उससे रिलेटेड नहीं होते ना सर, स्ट्रक्चर से। तो जो वर्क जब हम क्लैश डिटेक्शंस जब होते, तो हम स्ट्रक्चर पे तो हम लोग को तो प्रॉपर आइडिया नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ HVAC के जो भी डट्स जो भी रहेंगे क्लैश डिटेक्शन के टाइम पे, क्लैश डिटेक्शन उसके आपको करना रिलेटेड। ही नहीं है, ये आपके अच्छा प्रोफाइल में नहीं आता क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन करता है बीम कोऑर्डिनेटर। बीम कोऑर्डिनेटर इज इक्विवेलेंट टू बीम मैनेजर, ठीक है? वो अभी आपका प्रोफाइल ही नहीं है, क्योंकि अभी आप कर ही नहीं पाओगे उसको, है ना? तो वो मतलब यहाँ तो हम लोग ट्रेनिंग में तो करेंगे, बट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो क्लैश डिडक्शन होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है? तो वो आपकी प्रोफाइल है ही नहीं, कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे आपको बीम कोऑर्डिनेटर बनने में। उनकी प्रोफाइल में वो आता है तो चेक करें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि उनको सजेशन देना है ना कि ये भाई इलेक्ट्रिकल वाले का पॉइंट गड़बड़ हो रहा है वो अपना संभाले, आर्किटेक्चर वाले का पॉइंट गड़बड़ हो रहा है वो अपना संभाले, ठीक है? तो वो उनका काम है, अभी आपका वो काम नहीं है, उसमें जाने का आपको सोचना ही नहीं है अभी, ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है? ओके जी, चलो कोई बात नहीं। देखो स्टार्टिंग में डाउट्स आपके क्रिएट होंगे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डाउट्स क्रिएट हो रहे मतलब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो उस चीज़ के बारे में, तब जाके आपके डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? कल से हम लोग ऑटो कैड स्टार्ट करेंगे। ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर किसके किसके पास है, येस और नो में मैसेज कर देना गाइस सभी लोग, किसके किसके पास ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? फटाफट येस नो में आंसर कर दीजिए, ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर किसके किसके पास है। और कल से हम लोग ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और ड्राइंग्स डेली सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। यस नो में फटाफट बता दीजिए, विशाल, दिलीप एंड, ठीक है, यस, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके, यस है, अभिजीत के पास नहीं है, सृष्टि के पास नहीं है, आदित्य के पास नहीं है, और कुछ लोग पास नहीं है, प्रदनेश के पास नहीं है, सौम्य रंजन के पास नहीं है, अदनान के पास, कोई भी वर्जन है, सब ऑटोकैड के सारे वर्जन एक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो वर्जन ले सकते हैं, ठीक है, चाहे जो वर्जन आप कर सकते हैं। यस दिलीप, बोलो। उमा के पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अंकित के पास, यस, ठीक है, संजय के पास है, हेलो, यस दिलीप, ठीक है। अब देखो कैसे ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। आई हैव नहीं, JW कैड नहीं है, हमको ऑटोकैड ही लगेगा, ठीक है? और राजपूत के पास भी नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। मैं देखो बात आपको दे रहा हूँ कैसे आपको ऑटोकैड का क्या क्या बोलते हैं डाउनलोड करना है, जस्ट एक बार देख लीजिए आप इसे, यहाँ पर मैं आपको ग्रुप के अंदर लिंक भेज दूंगा उसका फिलहाल। हेलो, यस दिलीप, सर मैं रिटर्नर से जनरल से क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, मोस्टली जो अपने जो प्लॉट वगैरह होते हैं वो 90 एंगल पे नहीं होते, तो अपन लोग ऑटोकैड में क्या वो भी सीखेंगे जिसमें अगर चारों ही साइड डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे कैसे प्लान किया जा सकता कर है? सकते हो बहुत। देखो कैसे होता है, एक बार जब आपने गाड़ी चलानी सीख ली ना, तो स्टंट करना जी कोई सर, बहुत बड़ी बात नहीं है ना? तो वो स्टंट ही है एक तरीके से, कि इधर एंगल दे दिया, उधर एंगल दे दिया, ठीक है, आसान है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। वैसे ऑलरेडी हमने एक दो प्रोजेक्ट हम ऐसा ही देने वाले हैं जो कि ऐसे रहेगा, कॉम्प्लेक्स वाला रहेगा, ठीक है? जी तो उसमें सर, आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। ऑटोकैड है तुम्हारे ओके पास? जी सर, ओके, देखो गाइस आप लोगों को यहाँ पर ऑटोकैड एक वेबसाइट है, getintopc.com, इसका लिंक हम आपको ग्रुप में दे देंगे। तो जस्ट यहाँ पर सर्च करना है ऑटोकैड, कोई भी वर्जन आपके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नया कर रहे हो तो ऑटोकैड 2020 का लेना, ये बहुत ही स्मूथ चलता है और बहुत ही कंफर्टेबल चलता है, तो ये सबसे बेस्ट है। इस पे गो पे क्लिक कर देना, ऑटोकैड 2020 पे, और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन, ठीक है? डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, जस्ट आपको डाउनलोड्स पर क्लिक कर देना है। ये 1.5 GB का है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, ठीक है? और इसको इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोसेस, अभी देखो मैंने क्लिक कर दिया ना, जस्ट वेट करेंगे ऑटोमेटिक अभी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर ही आप देखेंगे एक ऑप्शन है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है? इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लेंगे, जैसे आपको पता चल जाए कि अच्छा इंस्टॉल करने का स्टेप्स क्या है, इसको ऑन कर लेंगे या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे।
बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे उस समय पर इंटरनेट को बंद रखेंगे, क्या करेंगे इंटरनेट को बंद रखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी गेट इनटू पीसी से देखो ये डाउनलोड होने लगा, ये देखो 1.4 एक जीबी, 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेंगे। किसी को भी कुछ ऐसा लगे कि सर मेरा नहीं हो रहा है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर मेरा नहीं हो रहा है, बाकी मुझे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो आई विल हेल्प यू फॉर दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट फोकस बाय योर सेल्फ, क्योंकि ऑटोकैड आसान है, वीडियो दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर आपके पास है, फिर भी प्रॉब्लम आया तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना, ठीक है जी। चलो किसी को कोई और डाउट है दिमाग में कि सर ये भी पढ़ेंगे क्या हम लोग, या फिर कुछ और भी डाउट है तो यू कैन डिस्कस, ठीक है। कल ऑटोकैड का एकदम बेसिक लेवल होगा, एक ऑटोकैड में क्या क्या पढ़ना चाहिए उसकी एक हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक दो ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ड्राइंग्स को आपको बनाना रहेगा। स्टार्टिंग के 4-5 दिन धीरे 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 स्टेप्स लेंगे और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ऑटो कैड कोई बात नहीं, रैबिट को अभी पहुंचने दो, रैबिट पे जब पहुंचेंगे तो करा देंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई और क्वेश्चन है? ऋतुजा कोई क्वेश्चन, दिलीप कोई क्वेश्चन, सवेर, ठीक है। चलो होप आपको बीआईएम का एक इंट्रोडक्शन पता चल गया हो। फिलहाल आपका बीआईएम स्टार्ट होगा नेक्स्ट 15 डेज के बाद एक तरीके से, अभी तो आपके ऑटो कैड स्टार्ट होने वाले 15 to 20 डेज, ठीक है। चलिए गुड लक एंड आप लोग इंजॉय करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि कल आपको टाइम पर प्रेजेंट हो जाना है क्लास में। और क्लास में मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मॉक इंटरव्यूज फ्राइडे को होंगे या फिर मंडे को होंगे, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू बता के नहीं होते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो मॉक इंटरव्यू इस बार आपका फ्राइडे को ही होने वाला है, तो आप थोड़ा बहुत अपने इंट्रोडक्शन वगैरह को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यस, निखिल का क्या क्वेश्चन है? अच्छा, कैन आई आई लैपटॉप 2 GB ग्राफिक्स कार्ड सफिशियंट, शुड आई अपग्रेड? लैपटॉप में कभी भी ग्राफिक्स कार्ड अपडेट नहीं होता है, अगर 2 GB है तो उसको 4 GB कर ही नहीं सकते हो, रैम कर सकते हो, लैपटॉप में कभी ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड नहीं कर सकते हो, अभी उसी पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरे पास ऑटोकैड 19 है लेकिन लाइसेंस क्रैक नहीं और नहीं है, ठीक है। मुझे उसका फोटो भेजना क्या दिखा रहा है, तो अगर क्रैक नहीं होगा तो हम शेयर कर देंगे क्रैक। चलो ठीक है, ग्रुप में आपको इस तरीके के टेक्निकल डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपको आंसर भी करता जाऊंगा, और एक बार स्टार्टिंग में थोड़े डाउट निकलते बाद में तो कम्फर्ट हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए गाइस, वी मीट यू टुमारो एंड जस्ट आप जाइए ऑटो कैड को इंस्टॉल कर लीजिए और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द ऑटो कैड, ठीक है। चलो।